सो हेलो नमस्ते सलाम और सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान स्थान 2.0 पर। सो फ्रेंड्स, लेकर आ गए हूं आप लोगों के लिए YouTube कम्युनिटी से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं गाइज अपनी पहली अपडेट के बारे में। सो मैं बात करने वाला हूं लक्ष्य चौधरी के बारे में। सो गाइज, जैसा कि लक्ष्य चौधरी ने अपनी पहली वाली वीडियो में बताया था कि वो बहुत जल्द जो है गटसी लड़का के ऊपर एक रोस्ट वीडियो निकालने वाले हैं, तो वो वीडियो आ चुकी है गाइज और उस वीडियो का नाम है कॉन्टेंट चोर फीट YPM व्लॉग्स। सो दोस्तों, इस वीडियो में खास तौर से जो है उन्होंने गटसी लड़का को ही रोस्ट किया है और उन्होंने जो है हर दूसरे रोस्टर की तरह जो है इस पॉइंट को बिल्कुल अच्छे से क्लियर आउट किया है कि गट्सी लड़का जो है वो दूसरे रोस्टिंग चैनल के वीडियोस को कॉपी करके अपने रोस्टिंग वीडियोस बनाते हैं। और पास्ट में जो है गट्सी लड़का ने लक्ष्य चौधरी पर भी एक रोस्टिंग वीडियो बनाई थी, उसके ऊपर भी उन्होंने काफी कुछ अपना रिएक्शन दिया है। सो गाइस, इस वीडियो में से एक छोटा सा वीडियो क्लिप मैं आपको प्ले करके दिखाता हूं, आप भी देखिए वो रिएक्शन। मैं यहां पे आधे रोस्टर्स का पापा हूं पापा, तो वो डैडी के ऊपर कोई वीडियो ना बनाए, डैडी के नाम से क्लाउड ना लें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मेरे इस चांद ने भी डैडी के ऊपर एक लोस्ट बनाने का ट्राई किया था। लक्ष्य चौधरी इज अ सिंप। मैं कुछ ऐसे सिंपल ऑल्डो से मिलवाने वाला हूँ जिनको देखकर तुम्हें अपनी ह्यूमैनिटी में शक होने लगेगा कि यार मैं इतना बुरा हूँ क्या। और भाई सिंपिंग की बात करें, हमारे डैंग चौधरी की बात ना करें। लक्ष्य चौधरी को डैंग चौधरी बोल दिया बच्चूतिये, ये जोक ना तेरे घर में पड़े हुए उस दहेज में आए बेड से भी पुराना है। देख तो लेता जहाँ से चुराया वो वीडियोस कब अपलोड हुई थी, जब तू रूपा के कच्छों की जगह हगीज पहनता था। तो बिल्कुल सारी फैसिलिटीज थी, आके लाइट पेपर इंटरनेट सब कुछ, मतलब बिल्कुल बाबा फक्शे बन के बैठा हुआ वहाँ। ओहो, लक्ष्य को फक्शे बोल दिया। एक और जो भागो कॉमेडी। भाई कैसे हो तुम यार इतने फनी, मैं भी गट्सी को गस्ती बोल दूं क्या? वही हो ना तुम उसके भाई जो वो नोरा को वो बोल रही थी है? हाँ भाई फनी हो जाता है। टोनी को पोनी बोल दो, टोनी कक्कड़ पोनी कक्कड़, भाई 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 भाई, भाई। फनी हो गया, बहुत फनी। हंसते हंसते रुको यार, रुको सिलवा के आ रहा हूँ यार, मुझे बहुत हंसी आ गई, पीछे से निकल गई मेरी हंसी सारी। और बस इसने मेरी ऐसी 4-5 क्लिप चलाई और उसके बाद ऐसे ही उन पे इरेलेवेंट जो लक्ष्य फक्ष्य डैंग बोल के इसने कॉमेडी कर दी। और उसके बाद फिर वीडियो में आगे एक प्रैंकस्टर को रोस्ट करने लगा। भाई लिखते लिखते मूड स्विंग आ गया था क्या? सॉरी, लिखता तो तू है ही नहीं, अगर लिखता तो बेटर जोक मार लेता। सी मेरे जान, मेरे भाई, मेरे डार्लिंग, मेरे हनी, जब खुद सुनने की शक्ति ना हो, खुद सहने की शक्ति ना हो ना, दूसरों को उल्टा सीधा नहीं बोला करते। जब तक तुम दूसरों को लोस्ट करते रहो तब तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुद को तुम्हें कॉल आउट कर दे तो तू इंस्टा पे रो गया। खुद की बारी में डिप्रेशन भैया, डिप्रेशन, रोना आ गया। भाई जब इतनी पतली सी मेंटल हेल्थ है ना तो यूट्यूब पे नहीं आया कर, तो रोस्टर तो बना ही नहीं करते। अब गाइस बढ़ते हैं अपनी दूसरी अपडेट की ओर। गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं लक्ष्य चौधरी की बात कर ही रहा हूं, तो सम्राट भाई के बारे में भी मैं एक अपडेट देना चाहूंगा आप लोगों को। तो वो ये है गाइस कि सम्राट भाई की तरफ से भी जो है एक वीडियो आने वाली है बहुत जल्दी, वो भी गट्सी लड़का के ऊपर ही। और गाइस इससे रिलेटेड उन्होंने एक स्टोरी भी शेयर करी इंस्टाग्राम पर, मैं आपको शो करके दिखाता हूं कि वो क्या बोल रहे हैं स्टोरी पर। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी वीडियो गट्सी के ऊपर आने वाली है, एंड यस आएगी वीडियो, आज ही डाल देता बट पहले माइक की दिक्कत हो गई, उसके बाद अभी लाइट चली गई तो वीडियो कॉल आएगी। एंड सरप्राइज बताऊं कि इस बंदे ने सबकी नहीं मेरी भी वीडियो कॉपी कर रखी है। सीरियसली काफी मजा आने वाला है आपको कल वाली वीडियो में, तो टाइम निकाल लेना, ठीक 11 बजे आएगी। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी अपडेट की ओर। मैं बात करने वाला हूं भुवन बाम के बारे में। सो गाइस जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में भी कोविड की सिचुएशन जो है काफी खराब है और ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो गाइस इसी से रिलेटेड जो हमारे यूट्यूब कम्युनिटी में जितने भी यूट्यूबर्स है उन्होंने भी अपना सपोर्ट शो किया है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कवर किया था गाइस कि मिथपैट और स्ले पॉइंट ने अभी रिसेंटली एक लाइव स्ट्रीम किया था, वो चैरिटी लाइव स्ट्रीम था जिसमें कि उन्होंने 50 लाख इकट्ठा किया था और वो है हेमकुंड फाउंडेशन के लिए। So, उसी से रिलेटेड एक भुवन बाम ने भी अपना इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी अपडेट किया जिसमें कि वो बता रहे हैं कि हर किसी को जो है थोड़ा बहुत अपना सपोर्ट शो करना चाहिए, भले ही वो 5 रुपए हो या 500 रुपए हो या 5,000 रुपए हो, तो अपने एंड से जो है लोगों को मदद करनी चाहिए और वो जो है हेमकुंड फाउंडेशन को जाकर डोनेट कर सकते हैं गाइस अपनी कैपेसिटी के अनुसार। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने पिछले साल टीटू टॉक्स किया था विद हेमकुंड फाउंडेशन, मेरे उस एपिसोड की सारी प्रोसीडिंग्स डोनेशन सब कुछ हेमकुंड फाउंडेशन को गया था। तो इस बार मैं आपसे फिर आग्रह कर रहा हूं कि आप प्लीज़ आपकी जितनी कैपेसिटी है 5 रुपये, 10 रुपये, 500, 2,000 या 10,000, जितना भी आप डोनेट कर सकते हैं कीजिए। ये लोग ऑक्सीजन ड्राइव थ्रू कर रहे हैं, लोगों के घरों में जाके ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहे हैं और वो बहुत महंगा है। अगर हम अपना बिट करेंगे तो हम घर बैठे बैठे कितनों की मदद कर सकते हैं, थिंक अबाउट इट। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं अब अपनी दूसरी अपडेट की ओर। सो मैं बात करने वाला हूँ कैरी मिनाती के बारे में गाइस। सो हुआ ये गाइस कि कैरी मिनाती अपने सेकंड चैनल कैरीज लाइफ पर एक लाइव स्ट्रीम कर रहे थे GTA के गेम के ऊपर, और हुआ ये गाइस कि उस लाइव स्ट्रीम में कोई हैकर घुस गया और बीच में जो है उनको परेशान करने लगा। और फिर फाइनली ये हुआ कि कैरी मिनाती को इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने अपना रिएक्शन भी शो किया गाइस। तो छोटा सा वीडियो क्लिप मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, आप भी देखिए उनका रिएक्शन। ऊपर नीचे नीचे ऊपर ऊपर नीचे बेंचो, ओए सबसे ज्यादा हेल्पफुल एडवाइस दी मेरे को अभी तक की।
क्या हुआ? अरे डैडी कूल ने मुझे इनवाइट दे दिया अपार्टमेंट में, बहन जो मैं रेस कर रहा हूँ, मैं अपार्टमेंट में जाऊँ क्या? मैंने थोड़ी इनवाइट दिया है। चैट सॉरी भाई कृष्ण, अजय का फैन, क्या बात है भाई, रुक जा मैं अभी देखता हूँ यार, एक सेकंड रुक जा। भाई इसने कुछ अपने इनवाइट भेजा है, बहन जो बकचोदी की है, और वो किसने भेजी है? लोडिंग पे अटैक किए रेडी अंडरस्कोर कूल 77। नहीं मैंने नहीं भेजी भाई, वो नहीं होगा। हां तूने नहीं भेजी, पता नहीं जिसने भेजी, लोडिंग हो रहा है। आई डोंट थिंक मैं कंटिन्यू कर पाऊंगा। रेडी की स्टडी गलत हो गया कूल की। आप GTA रोज बिगाड़ते हैं हमारे लिए, थैंक यू सो मच। हमें पता चलता है हाँ दुनिया में बकचोदी कायम है, दुनिया में लोग हैं जिनको देख के मन करता है बस शुरू ही हो जाओ या माथा दे मारो उनके सर पे, तो जो भी मतलब थैंक यू सो मच। ये हमारा प्यार ही आपके, ये प्यार ही नहीं, ये प्यार नहीं है तो और क्या है? तुझे भी करना पड़ेगा तो और क्या है? तो हैकर लोग जितने भी थे, हमें अगर हमारे में से वोट तो खत्म कर कर ये हमारे साथ किया, मेरे साथ ये किया, थैंक यू सो मच। क्रोम और मैं इसी बात पे, मैं GTA और नहीं खेल सकता हूँ, मैं इसको बंद करना चाहूंगा, मैं इस गेम को डिलीट करना चाहूंगा। बाकी जिसको जो बोलना है बोले, मैं इस गेम को दोबारा कभी टच करने वाला नहीं हूं, जब तक जो हैकर लोग हैं वो खेलना इस गेम को नहीं छोड़ते तब तक मैं ये गेम नहीं खेलने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया। तभी यार देखो, एक गेम की, वीडियो गेम की सबसे अच्छी बात क्या होती है? हैकिंग। सबसे अच्छी बात क्या होती है? हैकिंग। हैकिंग नहीं करोगे तब तक कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे दो बाप है? कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो उसको पता लगाने के लिए तुम्हें हैकिंग करनी जरूरी है। पर जब तक तुम लोग ये गेम खेल रहे हो ना, मेरे को नहीं लगता मैं इस गेम को खेल पाऊंगा, मुझे नहीं लगता। सो गाइस, अभी तक के लिए यही अपडेट्स है। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी कोई वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन पे दिख जाए आपको। और हाँ गाइस, जाते जाते आपसे एक चीज आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा कि कोविड जो है अभी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है वो सिचुएशन, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है गाइस कि जितना कम हो सके आप लोग बाहर जाइए और अपने सेहत का जितना ज्यादा ख्याल कर सके उतना कीजिए, और अपने घर वालों को जितना हो सके आप उनकी मदद कीजिए गाइस। थैंक यू सो मच गाइस, मिलता हूँ आपसे एक और वीडियो पर।